इमाम जाफर सादिक से किसी ने कहा था, बेटे अली के होते हो और अफजल सिद्दीक को कहते हो। बेटे अली के होते हो, अफजल अबू बकर को कहते हो। आपने फरमाया, तेरी थुन्नी रज के पना, ओ बदबख्ता, मैं अली दा भी पुत्र हाँ ते अबू बकर दा भी पुत्र हाँ। ये हमारे पास कोई कहे कि जी एमी कोई बात भी हवा में नहीं करेंगे, जो करेंगे हम कुरान और सुन्नत की करेंगे, और अपनी किताबें तो अपनी शिया की किताबें, ये कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल्लाह इम्मा। इसने भी लिखा का इमाम जाफर एक तरफ से अली के पुत्र लगते हैं तो दूसरी तरफ से अली के इमाम अबू बकर के बेटे लगते हैं। तो कहने लगा जाफर था वो ना उधर का तो उस आख्या जी पुत्र अली दे हुंदे हो, अफजल अबू बकर आते हो। उन्हें आख्या तेरे को दलील के है कि अली अफजल है। कहता जी दलील दमा। आपने फरमाया दे दलील, फिर हम भी जरा नबूवत के घराने वाली दलील देंगे, तू भी देके दिखा। कहता है दलील मेरी ये है, देखो नबी ने अली को अपना बिस्तर दे दिया, बिस्तर दे दिया। अबू बकर भी था ना, नहीं दिया तो अली को बिस्तर दे दिया, तो बिस्तर नबूवत जिसको मिला तो वो अफजल नहीं है। इमाम जाफर ने कहा है, हाय 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 हाय, अली का बेटा था ना, है हुसैन का पोतरा था ना, ज़ैनुल आबिदीन का पोतरा, बाकिर का बेटा था। उसा क्या, अच्छा मान लिया नबूवत का बिस्तर अली कोल सी। उसा इमाम जाफर ने कहा नबूवत का बिस्तर तो अली के पास था, नबूवत खुद 3 दिन किसकी गोद में सर रख के लेटी हुई थी। नबूवत 3 दिन खुद किसकी गोद में सर रख के लेटी थी। सुन्नी अगर तेरे सीने में जोर है तो फिर बोल सुभान अल्लाह। और हमारा एक यहाँ सुन्नियों का एक पीर भी मशहूर है, उसने भी अजब एक शेर पढ़ा था, देख के बिस्तर कर दिया था फैसला, हिजरत की शब अकल का अंधा भी तरतीब के चक्कर में है। मैंने कहा हिजरत की शब अबू बकर की गोद में रख के मुस्तफा ने सर कर दिया था फैसला, अकल का कोरा अभी भी अपने डगोसलों के चक्कर में है। और ये किसका शेर है, ताकि तुम करते फिर ना जाके, हम ये वाजे कहते हैं जो रजा के मुकाबले में आएगा ना वो बड़ा है या छोटा, खुदा की कसम उड़ा के रख देंगे, उड़ा के रख देंगे। हाँ, जिसको इलम का नशा है सामने आए, हम अगर 10 मिनट में नाक का साइलेंसर फटाकर धुआं ना निकाले तो रजा के बेटे नहीं है। हाँ, और उसी पीर के एक पीरजादे ने बरतानिया से बैठ के खिताब में कहा था, हम ठेकेदार किसी को नहीं मानते, ना इधर ना उधर, इशारा किया मेरे इमाम की तरफ। मैंने कहा तुम्हारे जैसों के लिए हम जैसे रजा के सग काफी हैं। हैसियत है तुम्हारी रजा का नाम लेने की। मैंने कहा मैं फतावा सुना, मैं फतावा रजविया की अरबी नहीं, फारसी नहीं, उर्दू का मतन लेके आता हूं। ये शहजादे अगर एक सतर पढ़ के समझा दें हम खिताबत छोड़ देंगे। एक सतर पढ़ के समझा दें, एक सतर समझा दें। हमने कराची से लेकर पिंडी के बदमाशों तक और क्वेटा से लेकर कश्मीर के अय्याशों तक हमने इनकी गर्दन पे इस वक्त पैर रखा हुआ है पूरा, खुदा की कसम पांव रखा हुआ। तो मैं समझ नहीं है तो पिंडी के जामे रजविया के दफ्तर में मुख्तार हैदरी का खिताब चलाया जाता है, हैं? और चला के तो नाज़ में आला कहता है, ओ इम्तियाज शाह, ओ नीफ कुरैशी,
इरफान शाह ने तुसा खरीद लिया, मुख्तार इदरी अले जवान है, उन्हें तुहानू छड़ना नहीं है। हाँ, ये हम किसी के दुश्मन नहीं है, पर जो दुश्मन बनेगा हम उसके दुश्मन हैं। रजवी बनना है तो रजा वाले रजवी बन के दिखाओ, नहीं तो रजा का नाम छोड़ दो, दफा हो जाओ कहीं और, जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे गुमाश्ते, हमारे सर पे रजा काफी है। कहते हमारा बड़ा ये था, फलां ये था, फलां ये था। मैंने कहा बड़ों की बात न कर, बड़े हमारे भी बड़े हैं। पर इकबाल ने कहा था, जागों के तसर्रुफ में उकाबों का नशेमन, जिथे किधरे शाइन बेंदे सन, आज काले कवियां डेरे लाल हैं। हाँ, जहां कभी मेरे अली बाबा जैसा शाइन बैठता था, हक मेरे अली, जा कभी बाबा मेरे अली बैठता था है, वहां पर आज क्या होता है, क्या होता है, वहां जुल्फी बुखारी जैसा शियों का कंजर बुलाया जाता है। हमारा दर्द समझाओ, आज हमें भी ख्याल है कि मकबूलियत थोड़ी हो जाएगी, लोग गालियां दे रहे हैं और देंगे, हम कहते एक नहीं, दिन में एक एक करोड़ गाली दो, हमारा बदन काट दो, पैरे उड़ा दो, पर सुन्नी अकीदा ठोक बजा के बयान करेंगे। अकीदा नहीं समझौता कर सकते, जो कयामत बपा है हमारे सामने, हम उसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हो क्या रहा है, कब्जा ग्रुप का रल्ला रल्ला, और रल के ना बरल्ला, उन्होंने कब्जा करना चाहा। सुन्नी तुझे सलाम है, तूने एड़ी चोटी, तूने एड़ी नहीं, तूने पांव की ठोकर पे उड़ा दिया है। एक टोला है ना, साल डेढ़ से उन्होंने पिछले 15-20 सालों में 30 सालों में तैयारी की, और करके तो कब्जा करने हैं, उन्होंने धाबा बोला, सोचा हम कब्जा कर लेते हैं, असली हम बन जाते हैं, किराएदार मालिक बनने चक्कर जैसी, समझ आई। ते सुनिया दे खवास तो आवाम तक, सुनिया ठोकर पे, पांव की ठोकर पे रख के उड़ा दिया। हमने कहा हम किसी का लाशा देख के नहीं मानते, हम रजा का अकीदा देख के मानते हैं। हाँ, इसलिए अकीदे पर पक्के रहो।